ओम शांति। आज के बाबा के साकार मधुर महावाक्य हैं 22 अक्टूबर 2021 के। आज प्यारे बाबा ने निडर अथक बन अमृत वेले उठकर एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करने के लिए कहा कि मीठे बच्चे, माया से डरो मत। भल कितना भी बुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। मीठे बच्चे, माया से डरो मत। भल कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। आज बाबा ने मुरली में प्रश्न पूछा, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया, जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं, अर्थात कुर्बान जाते हैं, सबसे आगे वही जाते हैं। बाप पर बच्चे कुर्बान जाते और बच्चों पर बाप कुर्बान जाते। तुम अपना कखपन, पुराना तन मन धन बाप को देते और बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देता, इसलिए उसे गरीब निवास कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं। आज मुरली का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे अति मीठे ऐसे कहेंगे ना? बाबा कहे मीठे मीठे अति मीठे ऐसे कहेंगे ना? बेहद का बाप और बेहद का प्यार है। कहते हैं मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों ने गीत सुना। राह एक बाप ही दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में राह बताने वाला कोई है नहीं, वहाँ ही ठोकरे खाते रहते हैं। अभी भल राह मिली है फिर भी माया बाप के साथ बुद्धि योग लगने नहीं देती है। समझते भी हैं एक बाप को याद करने से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे, फिकरात की कोई बात नहीं रहेंगी, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ पतित पावन बाप को याद करो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वही गीता ज्ञान दाता है, स्वर्ग की बादशाही अथवा सदगति देते हैं। कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते, सागर एक ही होता है। इस धरती के चारों तरफ सागर ही सागर हैं, सारा सागर ही सागर है, फिर उनको बांटा गया है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो सारा सागर धरनी के मालिक तुम बनते हो। ऐसे कोई कह न सके यह हमारा टुकड़ा है, हमारी हद के अंदर न आओ, यहाँ सागर में भी टुकड़े टुकड़े कर दिया है। तुम समझते हो सारा विश्व ही भारत था जिसके तुम मालिक थे। गीत भी है, बाबा आपसे हम विश्व की बादशाही लेते हैं जो कोई छीन न सके। यहाँ देखो पानी के ऊपर भी लड़ाई है, एक दो को पानी देने के लिए लाखों रुपया देना पड़ता है। तुम बच्चों को सारे विश्व की राजाई कल्प पहले मिसल मिल रही है। बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, ज्ञान दाता है ही परम पिता परम आत्मा, इस समय आकर ज्ञान देते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के पास यह ज्ञान नहीं होगा। हाँ ऐसे कहेंगे आगे जन्म में यह ज्ञान लेकर यह बने हैं, तुम ही थे। तुम कहते हो बाबा आप वही हो, आपने हमको विश्व का मालिक बनाया था। बाप कहते हैं मेरी मत कोई लंबी चौड़ी नहीं है, वह पढ़ाई कितनी लंबी चौड़ी होती है, यह तो बहुत सहज है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानकर औरों को बताते रहते हो, कैसे 84 का चक्र लगाया है। अभी वापस जाना है बाप के पास, यह भी बाप ने बतलाया है, माया के तूफान बहुत आएंगे, इनसे डरो मत। तुम सुबह को उठकर बैठेंगे, बुद्धि और ख्यालातों में चली जाएंगी, 2 मिनट भी याद नहीं रहेंगी। बाप कहते हैं थकना नहीं है। अच्छा 1 मिनट याद नहीं रही फिर कल बैठना परसों बैठना, अंदर में यह पक्का जरूर करो कि हमें याद करना है। अगर कोई विकार में जाता होगा फिर तो बहुत तूफान आएंगे, पवित्रता ही मुख्य है। आज यह दुनिया पतित वैश्यालय है, कल पावन शिवालय होगा,
जानते हो, यह पुराना शरीर है, बाप को याद करते रहेंगे तो कोई भी समय शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में चलने लायक बन जाएंगे। बाप से कुछ न कुछ ज्ञान तो सुना है ना, ऐसे भी हैं जो यहाँ भागंती हो गए हैं फिर भी जाकर अपना वर्षा ले रहे हैं। यह भी समझाया है, अंत मते सौ गति होंगी, समझो कोई शरीर छोड़ते हैं, संस्कार ज्ञान के ले जाते हैं तो छोटेपन में ही उनको इस तरफ खिंचाव होंगी। भल ऑर्गन्स छोटे हैं, बोल नहीं सकते, परंतु खींच लेंगे। छोटेपन से ही संस्कार अच्छे होंगे, सुखदायी बनेंगे। आत्मा को ही बाप सिखलाते हैं ना, जैसे बाप मिलिट्री वालों का मिसाल समझाते हैं, संस्कार ले जाते हैं तो लड़ाई में फिर भर्ती हो जाते हैं। जैसे शास्त्र पढ़ने वाले संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं, उनकी महिमा भी निकलती है। तो यहाँ से जो जाते हैं छोटेपन में ही महिमा निकलती है। आत्मा ही ज्ञान धारण करती है ना, बाकी रहा हुआ हिसाब किताब चुकटू करना पड़ता है। स्वर्ग में तो आएंगे ना, बाप के पास आकर मालिकम सलाम करेंगे, प्रजा तो ढेर बनेंगी, बाप से तो वर्षा लेंगे। पिछाड़ी में कहा है ना, अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। अभी तुम समझते हो, अहो बाबा आपकी लीला ड्रामा प्लान अनुसार ऐसी है। बाबा आपका एक्ट भी सभी मनुष्य मात्र से न्यारा है। जो बाप की अच्छी सर्विस करते हैं उनको फिर इनाम भी बड़ा अच्छा मिलता है, विजय माला में पिरोए जाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान जो बाप रूह रूहों को देते हैं। मनुष्य तो सब शरीरों को ही याद करेंगे, कहेंगे शिवानंद गंगेश्वरानंद आदि यह ज्ञान देते हैं, यहाँ तो कहेंगे निराकार शिव बाबा ज्ञान देते हैं। बाबा कहते मैं ऊंचे ते ऊंचा हूँ, मुझ आत्मा का नाम है शिव, शिव परमात्माय नमः कहते हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवताय नमः, यह भी रचना है, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता। तुम आपस में भाई भाई हो, भाई को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। यह ब्रह्मा दादा भी तुम्हारा भाई है, स्टूडेंट है ना, पढ़ रहे हैं, इससे वर्षा नहीं मिलेगा। यह खुद ही वर्षा पा रहे हैं शिव बाबा से। पहले तो यह सुनते हैं, बाप को कहता हूँ बाबा हम तो आपका पहला पहला बच्चा हूँ, आपसे हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प आपका रथ बनता हूँ, शिव का रथ ब्रह्मा, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। तुम ब्राह्मण भी मददगार हो, फिर तुम मालिक बनेंगे। अभी तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक बाप द्वारा राज्य लेते हैं, जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया है वही आएंगे। हर एक के पुरुषार्थ से पता लग जाता है कौन महाराजा महारानी बनेंगे, कौन प्रजा बनेंगे। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा, सारा पुरुषार्थ पर मदार है, कुर्बान भी होना होता है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, तुम गरीब ही मुझ पर कुर्बान होते हो। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है, समझो कोई कॉलेज बनवाते हैं, वह कोई गरीबों को दान नहीं होता, वह कोई ईश्वर अर्थ होता नहीं है, परंतु दान तो करते हैं ना। कॉलेज खोलते हैं तो उनको फल मिलता है, दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे, यह आशीर्वाद मिलती है। भारत में ही सबसे जास्ती दान पुण्य होता है, इस समय तो बहुत दान होता है। तुम बाप को दान करते हो, बाप तुमको दान करते हैं, तुमसे कखपन ले तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। इस समय तुम तन मन धन सब बाप को दान देते हो। वे लोग तो मरते हैं तो विल करके जाते हैं, फलाने आश्रम को देना या यह आर्य समाज ले लेवे। वास्तव में दान गरीबों को देना होता है जो भूखे होते हैं। अभी भारत गरीब है ना, स्वर्ग में भारत कितना साहूकार होता है, तुम जानते हो वहाँ कितना अनाज धन आदि तुम्हारे पास होता है, उतना और कोई के पास नहीं हो सकता। वहाँ तो कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, मुट्ठी चावल दान करते हैं
तो रिटर्न में 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, जागीर भी मिलेंगी। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं, वहाँ तत्व सतो प्रधान होते हैं। तुम जानते हो सतयुग में कौन कौन आएंगे, फिर द्वापर में फलाने फलाने आएंगे, कलयुग के अंत में छोटी छोटी टालटालियाँ मठ पंथ आदि निकलते रहते हैं ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में जाड़ ड्रामा की नॉलेज है, बाप के पार्ट को भी जानते हो। महाभारत लड़ाई में दिखाते हैं 5 पांडव बचे, अच्छा फिर क्या हुआ? जरूर जो राजयोग सीखे वही जाकर राज्य करेंगे ना। आगे तुम भी कुछ जानते थोड़े ही थे, ब्रह्मा बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे, नारायण की भक्ति करते थे, गीता के साथ भी बहुत प्यार था, ट्रेन में जाते थे तो भी गीता पढ़ते थे। अब देखते हैं कुछ भी समझा नहीं, डिब्बी में ठिकरी। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते आए परंतु उद्धार तो हुआ नहीं। दुनिया में तो कितना झगड़ा है, यहाँ भी तो सब पवित्र बन न सके इसलिए झगड़ा पड़ता है। बाप शरण भी लेते हैं फिर कहते हैं बीमारी उथलेंगी जरूर, बच्चे आदि याद पड़ेंगे, इसमें नष्टो मोहा होना पड़े, समझना है हम मर गए, बाबा के बने गोया इस दुनिया से मरे, फिर शरीर का भान नहीं रहता। बाप कहते हैं देह सहित जो भी संबंध है उसको भूल जाना है, इस दुनिया में जो कुछ देखते हो वह जैसे कुछ भी है नहीं, यह पुराना शरीर भी छोड़ना है, हमको जाना है घर, घर जाकर फिर आकर नया सुंदर शरीर लेंगे, यह शाम है फिर सुंदर बनेंगे, भारत अभी शाम है फिर सुंदर बनेगा, अभी भारत है कांटों का जंगल, सब एक दो को काटते रहते हैं, कोई बात पर बिगड़ते हैं तो गाली देते हैं, लड़ पड़ते हैं, तुम बच्चों को घर में भी बहुत मीठा बनना है, नहीं तो मनुष्य कहेंगे इसने तो 5 विकार दान दिए हैं फिर क्रोध क्यों करते, शायद क्रोध दान नहीं दिया है। बाप कहते हैं बच्चों जोली में 5 विकार दान में दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाए, चंद्रमा को ग्रहण लगता है ना, तुम भी अब संपूर्ण बनते हो, तो बाप कहते हैं यह विकार दान में दे दो, तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है, आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। आत्मा कहती है इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा टाइम है, काम उतार देना है, ख्यालात कोई भी उतार देना चाहिए, बाबा जानते हैं अनेक प्रकार के ख्यालात आएंगे, धंधे के ख्यालात आएंगे, भक्ति मार्ग में भक्ति करते समय ग्राहक धंधा धोरी याद पड़ता है तो फिर अपने को चुटकी से काटते हैं, हम नारायण की याद में बैठा हूँ फिर यह बातें याद क्यों आई, तो यहाँ भी ऐसे होता है, जब इस रूहानी सर्विस में अच्छी रीति लग जाते हैं तो फिर समझाया जाता है, अच्छा छोड़ो धंधा धोरी को बाप की सर्विस में लग जाओ, कहते हैं छोड़ो तो छूटे, देह अभिमान छोड़ते जाओ, सिर्फ बाप को याद करो तो बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे। भ्रमरे का कछुए का भी सब मिसाल बाप देते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में वो लोग दृष्टांत देते हैं। अभी तुम जानते हो कीड़े कौन हैं? तुम हो ब्राह्मणिया, तुम ज्ञान की भूं भूं करती हो, यह दृष्टांत अभी का है, वह बता न सके, त्योहार आदि सब इस समय के हैं, सतयुग त्रेता में कोई त्योहार होते नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग के। अब देखो कृष्ण जयंती थी, कृष्ण मिट्टी का बनाया, उनकी पूजा की, फिर जाकर लेकर डुबो दिया। अभी तुम समझते हो यह क्या करते हैं, यह है अंधश्रद्धा, तुम समझाएंगे वह समझेंगे नहीं, कोई को बीमारी आदि हुई तो कहेंगे देखो तुमने कृष्ण की पूजा छोड़ दी है इसलिए यह हाल हुआ है, ऐसे बहुत ही आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, इसलिए ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती, ऊंचते ऊंच यह ब्राह्मण कुलभूषण है परंतु उनकी माला बन नहीं सकती, तुम्हारी बुद्धि में है यह शिव बाबा की माला है,
फिर हम जाकर सतयुग में नंबर वार विष्णु की माला के दाने बनेंगे। तुम्हारा एक एक अक्षर ऐसा है जो कोई समझ न सके। बाप पढ़ाते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते भी हैं हम आकर समझेंगे। फिर गए घर में और खलास वहाँ की वहाँ रही। कहते हैं प्रभु से मिलने के लिए राह बहुत अच्छी बताते हैं, परंतु हम उस पर चले वर्षा लेवे यह बुद्धि में नहीं आता। बहुत अच्छी सेवा कर रही है ब्रह्मा कुमारिया, बस अरे तुम भी समझो ना, जिस्मानी सेवा करते रहते हो, अब यह रूहानी सेवा करो। सोसाइटी की सेवा तो सभी मनुष्य करते रहते हैं, मुफ्त में तो कोई सेवा नहीं करते, नहीं तो खाएंगे कहाँ से। अभी तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते हो, तुमको भारत के लिए बहुत तरस रहता है। हमारा भारत क्या था, फिर रावण ने किस गति में लाया है। अब हम बाप की श्रीमत पर चल वर्षा जरूर लेंगे। अभी तुम जानते हो हम हैं संगम युगी, बाकी सब है कलयुगी। हम उस पार जा रहे हैं, जो बाप की याद में अच्छी रीति रहेंगे वह ऐसे बैठे बैठे याद करते करते शरीर छोड़ देंगे, बस फिर आत्मा वापस आएंगी नहीं। बैठे बैठे बाप की याद में गया, यहाँ हठ योग आदि की कोई बात नहीं। जैसे देखते हो ध्यान में बैठे बैठे चले जाते हैं, वैसे तुम बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। सूक्ष्म वतन जाकर फिर बाबा के पास चले जाएंगे। जो याद की यात्रा की बहुत मेहनत करेंगे वह ऐसे शरीर छोड़ देंगे। साक्षात्कार हो जाता है, जैसे शुरू में तुमको साक्षात्कार हुए वैसे पिछाड़ी में भी तुम बहुत देखेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है, रूहानी सेवा में लग जाना है। दूसरा, अब घर जाने का समय है, इसलिए जो भी हिसाब किताब हैं, धंधे धोरी के ख्यालात हैं, उन्हें उतार देना है। याद की यात्रा की मेहनत करनी है। आज बाबा ने वरदान दिया, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। बाबा ने स्पष्टीकरण में सूक्ष्म दो बातें बताई। पहला, योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। दूसरी सूक्ष्म बात, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देते हैं अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चलता है तो भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। आज का स्लोगन है, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। अच्छा, ओम शांति।